हे hey गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है एमएस एक्सेल का ट्यूटोरियल नंबर 27। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 26 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इंसर्ट मेनू का पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा नेम, कॉमेंट, पिक्चर, डायग्राम, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक ऑप्शन के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा है नेम। ओके, तो नेम ऑप्शन के लिए आपको यहां पे कोई भी एक सेल करना है सेलेक्ट, और सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा नेम का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें डिफाइन का, तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा है डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम में नीचे यहां पे आपसे पूछेगा नेम इन वर्कबुक। तो मैंने यहां पे नाम टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने यहां पे टाइप कर दिया माय सेल। ओके, इसके बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पर सेल है ये यहाँ से डिफाइन हो गया है। ओके, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं किसी दूसरे सेल में। दूसरे सेल में क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके एडिट मेनू में, और एडिट मेनू में जाने के बाद आपको जाना है यहां पे गो टू ऑप्शन के ऊपर। आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा है गो टू, आप एक बार यहां पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है माई सेल, तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सेल था ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डिफाइन ऑप्शन। इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके इंसर्ट मेनू में, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे नेम ऑप्शन में। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है पेस्ट नेम, पेस्ट नेम में नीचे यहाँ पर लिखा है माई सेल, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं ये मेरा नाम यहाँ पर पेस्ट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा नेम ऑप्शन। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें कमेंट का। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया GM। ओके, इसके बाद मैंने इस नाम को किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कॉमेंट का, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कॉमेंट का डायलॉग बॉक्स है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे GM के बारे में आपको यहाँ पे जो भी टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया शॉर्ट नेम GM, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गुड मॉर्निंग। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे GM के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके व्यू मेनू में। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कॉमेंट, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका कॉमेंट है ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पे GM के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कमेंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे शो करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे अपना कमेंट का डायलॉग बॉक्स परमानेंटली यहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कमेंट का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कमेंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे परमानेंटली आपका यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आपको अपना कमेंट डायलॉग बॉक्स डिलीट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपके सेल के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके एडिट मेनू में, और एडिट मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लियर, और क्लियर के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इसमें कॉमेंट का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कॉमेंट का डायलॉग बॉक्स था ये यहाँ से क्लोज हो गया है, आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कमेंट ऑप्शन, जिससे आप किसी भी वर्ड के ऊपर आप कमेंट लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें पिक्चर का। ओके, इसके लिए आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहां पे जाना है पिक्चर ऑप्शन में। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा क्लिप आर्ट का, तो मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखते हैं आपके वर्कशीट के राइट साइड में यहां पे क्लिप आर्ट करके यहां पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहां पे लिखा है सर्च फॉर, तो आप यहां पे क्लिक करके आप अपना क्लिप आर्ट सर्च कर सकते हैं।
ओके तो मैंने यहाँ पे टाइप किया रैबिट, और रैबिट टाइप करने के बाद मैंने यहाँ से गो कर दिया, और गो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च होकर यहाँ पे रैबिट आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके अगर आपको यहाँ पे सभी क्लिप आर्ट एक बार में देखना है तो इसके लिए आप यहाँ पे अपने नाम को रिमूव करिए। नाम को रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे क्लिप आर्ट है ये सब यहाँ पे शो कर देगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके अगर मान लीजिए आपको इसमें से किसी भी क्लिप आर्ट को लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने क्लिप आर्ट को आपको अपने वर्कशीट के ऊपर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्लिप आर्ट आपके वर्कशीट में यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे एक क्लिप आर्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके तो आप क्लिप आर्ट ऑप्शन से आप अपने वर्कशीट पर कोई भी क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके इंसर्ट मेनू में, इसमें जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन में, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम फाइल का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर करके एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके इसके बाद आपको इसमें से जो भी आपको यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना है वो पिक्चर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पिक्चर है ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके तो ये था हमारा फ्रॉम फाइल ऑप्शन, जिससे आप किसी भी एक्सटर्नल पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है पिक्चर ऑप्शन में, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें फ्रॉम स्कैनर आर कैमरा। ओके तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने स्कैनर का इमेज भी यहाँ पे स्कैन करके आप इसमें ला सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे कैमरे से भी आप यहाँ पे अपना फ़ोटो ला सकते हैं। ओके इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऑटो सेव का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके वर्कशीट के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ऑटो सेव के नाम से। इसके अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग शेप मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लाइंस, इसके बाद यहाँ पे कनेक्टर्स हैं, इसके बाद बेसिक शेप, इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक एरो, तो आपको यहाँ पे अलग अलग शेप मिलेंगे। ओके तो वही आपको यहाँ पे एक शेप के ऊपर ऐसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर का पूरा शेप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके इसके बाद आप जिस भी शेप को क्रिएट करना चाहते हैं उस शेप के ऊपर एक बार क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा शेप यहाँ पे बन गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके तो ये था हमारा ऑटो शेप ऑप्शन, जिससे आप अपने वर्कशीट पे कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको जाना है पिक्चर ऑप्शन में, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें वर्ड आर्ट का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड आर्ट गैलरी का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ए वर्ड आर्ट स्टाइल। ओके तो आपको यहाँ पे कोई भी एक वर्ड आर्ट स्टाइल करना है सेलेक्ट, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक वर्ड आर्ट स्टाइल किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपसे बोलेगा योर टेक्स्ट हियर, तो आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। ओके तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया टेक देव, इसके बाद मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वर्कशीट के ऊपर यहाँ पे एक वर्ड आर्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके तो ये था हमारा वर्ड आर्ट ऑप्शन, जिससे आप अलग अलग स्टाइलिश में आप अपना नाम टाइप करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको जाना है पिक्चर ऑप्शन में, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके वर्कशीट के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ओपन हो जाएगा। ओके इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ में यहाँ पे एक छोटा सा टूल ओपन होगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के नाम से। ओके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में है एक बॉक्स और नीचे यहाँ पे है थ्री बॉक्स। ओके तो मान लीजिए आपको यहाँ पे नीचे एक और बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इंसर्ट शेप के ऊपर, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे मेरा एक शेप यहाँ पे इंसर्ट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके इसके बाद आपको यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करना है आप यहाँ पे क्लिक करके
टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे भर देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट यहाँ पे फिलअप कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे आपके डायलॉग बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ऑटो फॉर्मेट के नाम से, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का यहाँ पे स्टाइल गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ए डायग्राम स्टाइल। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक डायग्राम का स्टाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी आपको यहाँ पे स्टाइलिश अच्छा लग रहा है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक स्टाइल किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे चार्ट है ये उसी स्टाइल गैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पिक्चर ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें डायग्राम का, तो इसके लिए आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इसमें डायग्राम के ऊपर, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डायग्राम गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी यहाँ पे डायग्राम सेलेक्ट करिए, इसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डायग्राम ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें ऑब्जेक्ट का। ओके, इसके लिए आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है आपके ऑब्जेक्ट ऑप्शन में। इसके बाद आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू, और नेक्स्ट यहाँ पे टैब में लिखा है क्रिएट फ्रॉम फाइल। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना ऑब्जेक्ट का टाइप करना है सेलेक्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया बिट मैप इमेज। ओके, तो बिट मैप इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, और ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बिट मैप का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे जो कुछ भी आपको यहाँ पे ड्राइंग करना है वो ड्राइंग आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया TH। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप किया TH टेक देव। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इसमें क्लोज का, आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप जो बिट मैप के अंदर आप अपना ड्राइंग क्रिएट किए थे वो ड्राइंग यहाँ पे MS Excel में इंसर्ट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन, जिससे आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर आप कुछ भी बनाकर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें हाइपरलिंक का। ओके, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके अपने इंसर्ट मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है हाइपरलिंक ऑप्शन के ऊपर। इसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस के बटन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लिखा है इंसर्ट हाइपरलिंक। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक फाइल करना है सेलेक्ट, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक फाइल किया सेलेक्ट, और फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लिंक यहाँ पे लग गया है। ओके, अगर आपको अपना लिंक ओपन करना है तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन दबाने के बाद आपको अपने लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फाइल है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंडेक्स एंड वी लुकअप फार्मूला। ओके, तो ये था हमारा हाइपरलिंक ऑप्शन, जिससे आप किसी भी एक्सटर्नल फाइल को लिंक लगा सकते हैं। ओके, तो ये थे इंसर्ट मेनू कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।